हमसे भी एक अपराध हुआ है। हाँ, वो कहते हैं ना, जुर्म करना ही नहीं, जुर्म सहना भी अपराध होता है। आदित्य की सच्चाई का पता निधि को कब लगा? ज्योति, से अंदाजा आ चुका था कि निर्माण विभाग में जो भी घोटाले हो रहे हैं उसके पीछे आदित्य का हाथ है। और निधि को आगाह करने के लिए सबसे पहले ज्योति ने निधि को फोन किया। आप समझ सकते हैं देवव्रत जी, जिसके प्यार पर इतना भरोसा करके निधि ने अपना सब कुछ सौंप दिया, उसकी सच्चाई जानकर उस पर क्या बीती होगी। शादी के दिन करीब थे, निधि बहुत ही परेशान थी, बहुत ही उलझन में थी। वो अपने तौर पर आदित्य की सच्चाई को जानना चाहती थी। दिव्रजी, एक दिन तो उसने हद ही कर दी। जानते उसने हमसे क्या कहा कि मंत्री बनकर हमने किया क्या है? लोग तो मंत्री बनकर करोड़ों रुपए बनाते हैं, और हमने क्या किया? कल जो ये मंत्री पद नहीं रहा तो अच्छी तरह याद है, इससे पहले निधि ने हमसे इस तरह की बात पहले कभी नहीं की। माँ, क्या सोच रही हैं आप? बेटा, शारदा जी ने हमें शादी के लिए मना तो लिया, पर अगर अस्पताल से उन्हें छुट्टी ही नहीं मिली तो? माँ, आप चाहती हैं कि शारदा आंटी शादी में जरूर आए, उन्हें हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिले, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? माँ, आपको पहली बार इतना बड़ा पद मिला है, मुख्यमंत्री का पद। आपके इशारे पे क्या कुछ नहीं हो सकता माँ, आप प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। मैं आज भी वही जिंदगी जी रही हूँ जो मैं 2 साल पहले जी रही थी, और आप भी। फर्क ही क्या है, क्या मतलब है मुख्यमंत्री बनने का? मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पद दोनों पद आपके पास है, पर उसमें हमारा कोई फायदा नहीं। निधि, ये सब क्या बोल रही है तू? मैं वही कह रही हूँ माँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। माँ, क्या हम ऐसी यही जिंदगी जिएंगे? माँ, हर आदमी अपने भविष्य के बारे में सोचता है। इनफैक्ट आपको तो इतना अच्छा मौका मिला है कि आपके एक इशारे पर लोग सूटकेस में पैसे भर के हमारे घर में हाजिर हो सकते हैं। पर पता नहीं आप क्या सोचती हैं माँ, ये तो वही बात हुई ना कि भगवान हमें एक मौका दे और हम बिना फायदा उठाए उसे ठुकरा दें। निधि, तुम ऐसा चाहती हो क्या? तुम ये चाहती हो कि हम भ्रष्टाचार की राह पर चले? माँ, मैं भ्रष्टाचार की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। अगर आप ईमानदार भी रहेंगी ना, तब भी आप पर भ्रष्टाचार का दाग लगेगा। शारदा आंटी के साथ क्या हुआ? ईमानदारी दिखाने के बावजूद भी उनके दामन में भ्रष्टाचार का दाग लगा ना, उनकी सरकार में घोटाले हुए ना, क्या मतलब हुआ आपके मुख्यमंत्री बनने का? बस लोग 2-4 बातें करेंगे, बातें थोड़ी उभरेंगी, फिर धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। से हमारी जिंदगी तो सवर जाएगी ना माँ। अपनी जबान को लगाम दो निधि, कब से बकवास किए जा रही हो? क्या हमने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है? माँ, अगर आपको अपनी जिंदगी नहीं संवारनी है तो ठीक है, पर आप हमारी जिंदगी की तो चिंता कीजिए। अगर आप चाहें तो घर में लाखों करोड़ों रोज आ सकते हैं। ये पद बार बार नहीं मिलता माँ, जिस तरह जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ईमानदारी का रास्ता कांटों से भरा होता है और भ्रष्टाचार का नोटों से। मुझे तो ताज्जुब है कि लोगों को कांटों के रास्ते क्यों पसंद आते। हम नहीं जानते थे कि निधि ये सब आदित्य को सुनाने के लिए कह रही थी। आदित्य को सुनाने के लिए? हाँ, आदित्य उसी वक्त अंदर आया था
और निधि उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि उसके लिए पैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहती थी कि हम किसी भी तरह पैसे कमाएं। हमारी ईमानदारी उसे रास नहीं आ रही थी। मतलब ये हुआ कि निधि ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि आदित्य का असली चेहरा सबके सामने आ सके। हाँ, और आखिर आदित्य उसकी बातों में आ ही गया। माफ कीजिएगा देवव्रत जी, हमने तो आपको चाय तक नहीं पूछा, आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। देखिए, ये सब याद करके हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम भी आपके साथ चाय पियेंगे, आप बैठिए, हम आते हैं। नमस्ते मैडम जी, कहाँ पे? वो तो अंदर है, पापा जी ने फोन किया था, आपको ये वसीयत के कागजात लाने वाले थे ना? जी हाँ। हम अभी लेकर आते हैं। जी जी, अच्छा। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी, ये फाइल। ये नहीं है मैडम, शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अपने पार्टी के कार्यकर्ता भी आक्रोश में है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ना भिड़ जाएं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और उन्हें शांत करने के लिए सर जी मीटिंग कर रहे हैं। माजी, ये वही फाइल है ना जिसमें सोनाली और उसके बच्चे के लिए वसीयत बनाई जानी थी? हाँ, वसीयत तो बन गई है, शायद सोनाली अब खुश हो जाए, उसे सुकून मिल जाए। सोनाली, सोनाली। माँ जी, ये वसीयत एक बार सोनाली को दिखा लीजिए, बाद में फिर कहीं वो ये ना कहे कि जैसी वसीयत वो चाहती थी वैसी नहीं बनी। सोनाली, थोड़ा सा वक्त लग गया बेटा, लेकिन वसीयत तैयार हो गई, बस आजकल में दस्तखत हो जाएंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरी हो जाएंगी। जी, दस्तखत से पहले मैं चाहती हूँ तुम इसे अच्छी तरह से पढ़ लो और संतुष्ट हो जाओ, और देख लो अच्छी तरह से सब वही लिखा है ना जो तुम चाहती थी। अब संकोच की कोई जरूरत नहीं है सोनाली, जिसका अधिकार है उसका अधिकार हम उसे दे रहे हैं। यह वसीयत रात को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, अगर इसमें तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी तो बता देना, उसे बदल देंगे। बेटी लीजिए। धन्यवाद। एक बात बताइए मेघना जी, क्या ये सारी बात आपने मुख्यमंत्री जी को बताई थी? नहीं देवव्रत जी, ऐसा मौका ही नहीं मिला कि उन्हें सब बता सकूं। और बताती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त तो ये घटना होने से संभल गई, और हमें तो ये महसूस हो रहा है कि आदित्य ने एक बार फिर निधि को मजबूर किया। हमें फोन करने के लिए फोन की वजह से ही रजनी वर्मा जी को ये पद देने के लिए हम मजबूर हो गए।
हाँ, जो गलतियां हुई है उसे हम महसूस कर रहे हैं, पर मंत्री होने के साथ हम एक माँ भी हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे ये बात बताइए, क्या आदित्य का असली चेहरा सीएम निवास में निधि के सामने आया था? आदित्य ने खुद ही निधि के सामने अपनी सच्चाई को खोल के रख दी। उसे तो लगा कि उसने हमारी निधि को फिर से अपनी मुट्ठी में कर दिया और उसके घोटाले के रास्ते अब खुलने लगे। हमें अच्छी तरह याद है उस दिन जब सीएम निवास में आदित्य का चेहरा सबके सामने आया है। हमें निधि ने बताया। क्या बात है आदित्य, तुम्हारे चेहरे की रौनक तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये रौनक तो पहले से बढ़ रही थी प्रदीप जी, जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा है रौनक बढ़ती जा रही है, लेकिन आज की बात कुछ और। आज की बात क्या है? हम तो सोच रहे थे कि कोई परेशानी की बात। परेशानी की बात? कैसी परेशानी की बात? मैडम असमंजस में पड़ने लगे कि उन्हें सीएम निवास जाना चाहिए या बलदेव सिंह के घर जाना चाहिए। हमने तो उन्हें अपनी तरफ से पूरा समझा दिया, लेकिन उनका इस तरह से असमंजस में पड़ना हमें परेशान करने लगा है। प्रदीप जी, ये सब बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। दरअसल मुझे डर इस बात का था, मैं सबकी नजरों में ईमानदार और निधि मेरी पत्नी बनने वाली, और अगर वो मेरी पत्नी बनती है और उसके बाद उसके सामने ये सच आता है तो मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगा? अरे कल की बात जाने दो यार, कल किसने देखा? तुम तो बस एक बार उस लड़की को अपनी पत्नी बना, एक बार वो तुम्हारी पत्नी बन गई तो फिर वो पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में। आपकी बात ठीक है प्रदीप जी, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। दरअसल निधि इतनी सीधी और सच्ची नजर आती है उतनी है नहीं। क्या बात कर रहे हो? वही कह रहा हूँ प्रदीप जी, जो सच है। निधि भी अपने सपनों में जीने वाली लड़की, उसे भी ये सच्चाई और ईमानदारी से कोई वास्ता नहीं है। आज मैंने खुद उसकी बातें सुनी है जो वो अपनी माँ से कह रही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आदित्य, मैं भी अपने माँ के इस बर्ताव से बहुत परेशान हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि तुमसे ये बात कहूँ तो कैसे कहूँ कि तुम माँ को समझाओ। वो मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का कोई मतलब ही नहीं है जब इस चीज का फायदा ही नहीं उठा सकते। ये क्या कह रही हो निधि? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ प्रदीप जी, जिंदगी भर तिल तिल कर जीना ही हमारी जिंदगी बन गई। वही पुरानी जिंदगी, वही पुराना रहन सहन, वही पुरानी गाड़ी। मैं तो मन ही मन खुश हो रही थी कि माँ को वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। मैं तो सोच रही थी माँ वित्त मंत्री बन जाएगी तो खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। माँ वित्त मंत्री तो बन गई, पर उसके आगे कुछ भी नहीं। क्या यही जिंदगी है हमारी कि भगवान हमें सबसे ऊंचे शिखर पर जाके बिठा दे और हम खुद को बदल भी ना सकते? दीप, मुझे तुम्हारे इस असंतोष की वजह समझ नहीं आती। आदित्य, मैं तुमसे शादी से पहले ये बात करना चाहती थी कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। खैर तुमने मेरी बात सुन ली, अच्छा ही। मैं तुमसे ये बात करना चाहती थी कि मेरा एक दोस्त है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं नाम लूंगी तो शायद तुम पहचान भी जाओगे। वो हमारे प्रदेश के सारे रेत के कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, और पता है बदले में वो हमें क्या देंगे? 150 करोड़। सबसे बड़ी जरूरत होती है कि अगले के सामने अपनी इमेज खराब, अगले को ये कभी शक ना हो कि हमारे दिल में क्या है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हम क्या करना चाहते हैं। जिंदगी एक भंवर है,
और पता है बदले में वो हमें क्या देंगे? 800 करोड़ 800 करोड़ आ जाएगा। 150 करोड़ और पता है हमें इसके बदले में क्या करना है? बस माँ को सिर्फ एक फाइल पर साइन करना है। पर माँ इसके लिए तैयार नहीं है। मैंने 2 दिन पहले ही माँ से बात की कि आपको रेप के कॉन्ट्रैक्ट देने, तो दे दीजिए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। माँ मान ही नहीं रही, उन्होंने साफ मना कर दिया। अरे निधि, तुमने अपने मम्मी को ये बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तू फिक्र मत कर। तुम ये चाहती हो ना कि वो 150 करोड़ तुम्हारे खाते में, मेरे खाते में आ जाए, तो ऐसा ही होगा। मैं साइन करवाऊंगा, 150 करोड़ कम नहीं होते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम और मैं दोनों मिलकर माँ जी की ईमानदारी और आंटी की ईमानदारी का खूब फायदा उठाएंगे। 150 करोड़ नहीं, 1,500 करोड़ कमाएंगे। बस उसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आंटी के साथ और माँ जी के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही बने रहें। देखो निधि, सबसे बड़ी जरूरत होती है कि अगले के सामने अपनी इमेज खराब ना हो, अगले को ये कभी शक ना हो कि हमारे दिल में क्या है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और हम क्या करना चाहते हैं? क्या बात है निधि, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम दोनों का असली चेहरा देखना चाहती हूँ, और तुम दोनों के ये चेहरे देखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम दोनों शारदा आंटी और माँ को बेवकूफ बनाकर इस प्रदेश को लूट रहे हो, और अब मैं खुद सबको बताऊंगी कि तुम दोनों की असलियत क्या है, तुम्हारे असली मंसूबे क्या है। देख लेना, अब ये बात नहीं छुपेगी। तुम दोनों को मैं बर्बाद कर दूंगी। आदित्य, आदित्य रोको उसे, अगर उसने किसी के सामने अपनी जुबान खोल दी तो हम कहीं के दे देंगे। जाओ आदित्य, जल्दी जाओ। हाँ सुनो, वो आदित्य जा रहा है, उसके साथ जाओ।
हेलो, हाँ बाबा बोलिए। मैं बस आ रहा हूँ बाबा, मैं बस रास्ते में हूँ, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। जी हाँ जी हाँ। मैम आप ठीक हैं? मैम लगता बेहोश हो गए। आराम से आराम से। एक सेकंड। बाबा बोलिए। मैं बस आ रहा हूँ बाबा, मैं बस रास्ते में हूँ, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ जी हाँ। ओके ओके बाबा, ठीक है, बाय। पर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए। सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि रजनी वर्मा को एक बार समझाने की कोशिश की जाए। मैंने तो राजवीर को अपना पति माना था, राजवीर मुझे जो अधिकार नहीं दिला सका, मेरी औलाद ने दिला दिया। आज सभी लोग मेरी हर बात मानने को मजबूर है।